भाजी कौन है ये? माँ, ये आपकी बहू है। क्या बेशरम, शरम नहीं आती तुझे? तूने हम सबको बिना बताए शादी कर ली और अपनी बिरादरी की कोई नहीं मिली थी तो इसको उठा लाया। माँ प्लीज, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले आशीर्वाद तो दे दो। बेहतर होगा तू अभी के अभी दफा हो जाए यहाँ से। माँ जा यहाँ से। मुझे लगता है मेरी माँ नहीं मानेगी, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं प्रभा, हम तो पहले से जानते थे ना कि माँ नहीं मानेंगी, तो ये सब तो होना ही था। प्रभात, तुम जानते हो जब मैंने तुमसे शादी की थी ना तो ही सोच लिया कि मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, इसलिए अपने सास ससुर में ही उन्हें खोज लूं। इसलिए मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। माजी, माजी प्लीज दरवाजा खोलिए। माजी, माजी आप मेरा यकीन मानिए, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माजी प्लीज मान जाइए। कम ऑन श्रेया, मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो नहीं मानेगी। प्लीज हमें चलना चाहिए। पर प्रभात, चलो निर्मला। हाँ, अभी तो बंगालन दरवाजे की दहलीज तक नहीं पहुंची और मेरा ये हाल हो गया। अच्छा, ऐसी होती है? ओह, हाँ, तो ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तू भी जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाना। हाँ बेटा, अब जब तूने इससे शादी करी ली है तो मैं भी इसे अपनी बहू मान लूं। थैंक यू मां, बस एक बार पापा भी मान जाए। वो क्या है ना बेटा, कि हर बाप की ये इच्छा होती है कि अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखे। अब जब वो विपासना से वापस आएंगे तो बुरा तो होने लगेगी, लेकिन जो भी हो मैंने तो इसे अपनी बहू मान ही लिया है ना। आ जाओ बहू, इसमें पाँव लगा। बेटा,
अब इस घर को अपना बनाना तुम्हारा काम। जी बाजी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं सब कर लूंगी। इस वक्त आप सब लोग जो ये शो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कईयों की शादी किसी और धर्म में, किसी और कम्युनिटी में हुई हो। ऐसे बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों की शादियों में, बारातों में आप और हम नाचे भी होंगे, दुआएं भी दी होंगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसे में किसी के हाथ दुआ के लिए नहीं बल्कि बददुआ के लिए उठे तो, बहू को आशीर्वाद देने के नहीं बल्कि घात देने के इरादे से उसका गृह प्रवेश करवाया जाए तो। मुझे समझ नहीं आता कि जब एक बालिग युवक और युवती को कानूनन पूरा अधिकार है कि वो जिससे मर्जी शादी कर ले, फिर चाहे वो अपने धर्म में हो या ना हो, तो फिर हम क्यों अपनी दकियानूसी सोच उन पर थोपते हैं? हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों की खुशी है या अपने बच्चों की मजबूरी? और यही वजह है कि श्रेया और प्रभात जैसे कई और जोड़े भागकर घर वालों से छिपकर शादी करते हैं। प्रभात और श्रेया इस बंधन में बंध तो गए, लेकिन वो अपने घर वापस लौट आए इस उम्मीद में कि उनके घर वाले उन्हें अपना लेंगे। लेकिन यहां दामिनी ने जिस तरह से श्रेया का स्वागत किया, उससे तो ये साफ लग रहा है कि वो श्रेया को इस घर में चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं। जरा पैर दिखाओ अपना। नहीं, प्रभात। मैंने कहा ना दिखाओ। What the hell is this? हाँ, इतना खून बह रहा है। कांच का टुकड़ा लगता हालते में था, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने? प्रभात, तू मुझ पे शक कर रहा है? अरे, मैंने तो खुद इसे अपनाया है। मैं तो ये मलम लेके आई थी। अगर यकीन नहीं है तो चेक कर ले। नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए, शायद मेरे पैर में ही कोई एलर्जी हो गई है। मलहम लगा लेना। प्रिया, मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, ये काम उन्हीं का है। और मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दिल जीतने के लिए शक नहीं, सबर की जरूरत होती। ठीक हो जाएगा। आजा, ये है हमारा रसोई घर। रुक, अब आ जा, ये तुझे पवित्र करने की रस्म है। माँ जी, मैं चेंज करके आऊं? हाँ। हाँ।
तुम्हारा किचन अलग किया है। देख, तू मांस मच्छी खाने वाली है, अब तेरे लिए हम अपना धर्म तो भ्रष्ट नहीं कर सकते ना। माँ, ये सब कितना इंसल्टिंग है। बेटा देख, अगर इसका खान पान हमारी तरह होता तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा वो सब छोड़, इससे कह कि मीठा बना ले और उसके साथ दाल चावल सब्जी रोटी जो बना सकती बना ले, पर हमारी तरफ हाथ ना लगाए। हाँ आ, ये सब ठीक नहीं कर रही है। प्रभात, पॉजिटिव सोचो जरा, पहले घर में आने दिया और अभी देखो आधा किचन दे दिया माजी ने। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना काम करो और जाओ यहां से। माजी दूर कर। और सुन, अब इस खाने को कूड़े के डब्बे में डाल दे। कैसी बातें कर रही हो माँ? पहली बार इस घर में श्रेया ने खाना बनाया और आप कहती हैं उसे ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। आ तो देख बेटा, तू प्यार में रस्म और रिवाज को भूल सकता है लेकिन मैं नहीं। रस्म थी कि बहू खाना बनाएगी तो बनवा लिया, लेकिन अब इसे कोई खाएगा नहीं। कोई खाए या नहीं खाए, ला मुझे दो, मैं खाऊंगा। ठीक है, खा ले। अगर तूने ये खाना खाया तो तू मेरा बेटा नहीं। देख प्रभात, तेरे और मेरे हम में से किसी के हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए खाना। अब माजी, अगर किसी ने खा लिया तो हम में से कोई ये खाना नहीं खाएगा, समझी? ठीक है। हम खाना नहीं खा सकते तो क्या हुआ? चिड़िया तो खा सकती है। ऐसे में सारी रस्में भी पूरी हो गई और प्रॉब्लम का हल भी निकल गया। प्रभात यही है तुम्हारे पास। अच्छा, क्या हो गया तुम्हें? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है? I love you so much, प्रभात। I love you too. अरे गौरी, तुम? हाँ, तुमसे मिलने का मन था तो इसलिए यहीं पर चली आई। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम सीधे मेरे बेडरूम में आ गई, ये तो सही बात नहीं है ना? बड़े आज सही बात बोलने वाले। पहले तो ये सब कुछ नहीं था हमारे भी, तो अब कहाँ से आया? पहले मैं शादीशुदा नहीं था, अब मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें दरवाजा खटखटा के आना चाहिए ना। तुमने शादी कर ली है बिना किसी को बताए, वो भी इस जादूगरनी से? क्या बोली तुम? वो छोड़ो, कम से कम शादी की बात मुझे तो बताई होती। ये बात तो है। एक काम करो, दो कप चाय बना लो। आंटी का? हाँ मम्मी बाहर है। आंटी आ गई? आंटी भी आ गई है तो तैयार भी हो जाओ, ठीक है? नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये चाय? हमें चाय वाय का कोई शौक नहीं है। ये हमें पैर छुआने की कोई इच्छा नहीं और ना ही आशीर्वाद देने की इच्छा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? देखो भाई, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जादू टोना जानती है। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं बीमार हो जाऊंगी। अरे ये क्या बकवास है? जो भी हो भाई, देखो रस्म और रिवाज के नाम से ना मैं ये तोहफा लाई हूं, ले लो।
दामिनी, तुम ना इन देवी देवताओं की तस्वीरों को ना अपने कमरे की हर दीवार पर लगा दो, तभी तो तुम अपने आसपास रहने वाली बुरी शक्तियों से बची रहोगी। संभाल। हाँ आंटी, बहुत ताकत होती है उनके जादू मंत्र में, तभी तो प्रभात को एक चुटकी में उसने वश में कर लिया। अरे उस जादूगरनी का साया तो इस घर पे पड़ चुका है। अब सवेरे पता नहीं क्या मनहूसियत हो। हे भगवान, पियोगी? मैंने पूछा नींबू पानी पियोगी? निर्मला, क्या हुआ? क्या हुआ? ए, क्या कर रही तू? मैं तो आंटी को नींबू पानी पूछ रही थी, सुनाई नहीं देता? बोल, नींबू पानी पिएगी? मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे भी एक नींबू काटना पड़ेगा। काट नींबू। जी, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है, विज्ञान है। जब भी चाकू पर वेनेगर लगा हो और उसे हम कोई भी खट्टी चीज, चाहे वो नींबू हो या संतरा, उसे काटते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसलिए प्लीज मुझे कोई जादू टोने वाली मत समझिए, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे बस आपके परिवार का एक हिस्सा बनना है। मैंने कहा ना 2 मिनट। हाँ बाबा, आ रही हूँ। अरे तुम फोन तो रखो। Come on!
क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभात मेरी आंखें बहुत जल रही है। माँ, माँ, अरे क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ हो गया? क्या हो गया? मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। क्या हुआ? अरे अरे जल रहा हूँ, बड़ा पानी लाना, पानी दे, लाओ क्या? पानी 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 दे, दे 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 ले। श्रेया अब कैसा फील हो रहा है? कुछ आराम हुआ? हाँ पहले से बेहतर है। That's good. You know, श्रेया, मुझे तुम्हारी इतनी आदत पड़ गई है कि मैं अपनी पीठ भी नहीं पहुंच सकता। पर मैं हूं ना तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। और तुम रहने दो, कर। बीवी के सामने इतनी शराफत। हाँ देना, कल क्या करना है? हाँ आ, 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 अरे आ, आ, क्या हुआ तुम्हें? ये देखो ना कितनी जोर से लग गई। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही थी? मैं तो नंगी पैर पूजा कर रही थी और पता नहीं क्या चुभ गया। चलो आराम से उठने की कोशिश करो। कम 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 कम, कम। मेरा सारा लो, उठो उठो उठो, कम कम, ओ हाँ, संभालो संभालो, पैर संभाल के। तुम्हें याद है जब बचपन में मुझे चोट लगती थी तो मुझे ऐसे ही उठाते थे? पता है मुझे सारी की सारी बातें याद है। मुझे भी सब याद है। मैं तुम्हें उठाकर ले गया था, मेरे हाथ दुख गए थे क्योंकि तुम उस वक्त बहुत मोटी थी। अरे शेर, ये क्या लगा रखा है? ये माँ जी ने मुझे दिया, इससे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। गौरी क्या हुआ है तुम्हें? इसके पैर में चोट लगी है। हाँ, अरे क्या हो गया बेटा? गौरी क्या हो गया? इसके पैर में चोट लगी है। कैसे लग गया? कांटा चुभ गया। हाँ तुम्हें एंटीसेप्टिक की जरूरत है वरना इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। अब प्रभात, आई थिंक आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैंने आपके कपड़े निकाल दिए। थैंक्स श्रेया। हाँ आजा बेटा। वैसे दाद देनी होगी श्रेया की। दामिनी, निर्मला और गौरी लगातार अपनी चालें चल रहे, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ उनकी हर चाल का सामना कर रही है श्रेया। सब कुछ जानते हुए भी वो समझदारी से काम ले रही है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही चाहती है कि प्रभात के घर वाले उसे और उसके रिश्ते को स्वीकार कर लें। जरा सोचिए, अगर यही इन लोगों ने अरेंज्ड मैरिज की होती तो यही लोग इन्हें आशीर्वाद दे रहे होते, लेकिन चूंकि ये लव मैरिज है इसलिए ये इनके खिलाफ है और अब श्रेया को तरह तरह की यातनाएं देने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने एक बार ये तक नहीं सोचा कि अब श्रेया और प्रभात की जिंदगी एक है, और ये सब करके ये लोग सिर्फ श्रेया पर नहीं प्रभात पर भी अत्याचार कर रहे हैं। खुद ही अपनी संतान के दुख का कारण बन रहे हैं, और वो भी सिर्फ अपने अहम और अपनी जिद के लिए। अब सवाल ये था कि आखिर दामिनी और उसके ये साथी और किस हद तक जा सकते हैं। अब असली काम करने का टाइम आ गया। पर मैंने जो कहा था उसके लिए सब तैयार हो ना? हाँ। करना है तुम्हें, पता है ना?
चलो फाइनली आज हमें फुर्सत से तुम्हारे पास आने का मौका मिला है। अरे तुम वहां तो ये कौन है गौरी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मेरी आंख लग गई थी और मैं यहीं पर ही सो गई। मुझे लगा तुम लेटी हुई हो। देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी नाइटी पहनी हुई इसने। उप्स, I'm sorry। हाँ ये नाइटी तुम्हारी ही है। क्यों किया ये सब? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने दवाई खाई और सो गई बस। लेकिन गौरी तुम अपने रूम में भी तो सो सकती थी ना। मेरे सारे के सारे कपड़े गीले हैं और इवन मेरा बेड का गद्दा वो भी गीला है, वो सब के सब बाहर ही सूख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सही कह रही। फिर भी अगर तुझे प्रॉब्लम है तो बता दे, वो बाहर जाके सो जाएगी। आजा बेटा। आ सॉरी, I'm sorry। माँ जी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ कि गौरी यहीं सोए। और प्रभात बहुत दिन हो गया ना हमने कोई मूवी नहीं देखी, तो चलो मूवी देखकर आते हैं और बाहर खाना खाकर आते हैं। तब तक गौरी भी आराम कर लेगी और इसके कपड़े भी सूख जाएंगे, है ना? तो रख कर आती हूँ, रेडी हो जाए। श्रेया, अब वो लोग बहुत गंदी चालें चलने लगे हैं। अच्छा यही होगा कि हम लोग हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। नहीं प्रभात, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन सबका दिल जीत लूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार का प्यार चाहिए। मुझे तो ये जरा भी पसंद नहीं है। उसे तो बस यहां से किसी तरह दफा करना चाहिए बस। तुम जानते हो मैं हमेशा से एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहती थी और उसके लिए मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, सब कुछ। मुझे तो बस प्रभात के पापा के आने का इंतजार है, अब वही ठिकाने लगा सकते हैं इसे बस। भाई सब जल्दी आ जाए बस। निर्मला, ये प्रभात के पापा को क्या हो गया? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि भाई साहब को हो क्या गया है। भाई साहब के ऊपर भी इस औरत का जादू चल गया है। हाँ? आपको कुछ पता भी है इसके बारे में? अरे इसके ना तो चरित्र का पता है ना परिवार का, भगवान जाने कैसे कैसे गुल खिला था। अब बर्ताव जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, बंद करो अपनी ये बकबक। जो भी है ये हमारे परिवार की बहू है, पर अच्छा होगा कि तुम लोग ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो।
और तुम दोनों को आशीर्वाद नहीं चाहिए मेरा? सदा ही रहो। अरे बाबा, बाबा क्या हुआ है? भगवान ये क्या हो गया? बाबा, मैं ठीक हूँ। तुम और बहू जाकर आराम करो। लेकिन पापा, मैं आराम जाओ जाओ। मैंने कहा चलो। कैसा लगा मेरा नाटक? अगली बार ऐसी चाल चलूंगा कि हमारा बेटा तो हमारे हाथों में रहेगा ही। इस श्रेया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। घटने से बड़ी ही मुश्किलें। जैसे मेरे दिल में कोई सुइयां चुभ रहा। एक मिनट, मैं अभी दवाई लेकर आता हूं। माइल्ड अटैक, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, कल इन्हें हॉस्पिटल लाइएगा जरूर। ये दवाइयां पापा जी के लिए लेकर आनी है। चल तो तुमसे ही कह रही हूँ, पापा जी के लिए दवाइयां लेकर आनी है। तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। What song with me? क्या है सब? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारी ऐसी लड़की इस तरीके की हरकत करेगी। ओ, तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रही हूँ? हाँ, ये सब तुम कर रही हो। अरे तूने क्यों किया इनके साथ ऐसा? बोल। अभी छोड़ो, ये सब छोड़ो, जाके जल्दी से वो तेल और माचिस लाओ। मैं इसके टोटके का असर खत्म कर मुझे आप।
बेटा देखो ऐसा है, इन एलोपैथिक दवाइयों पर तो मेरा भरोसा बिल्कुल नहीं बचा है। तुम अभी के अभी जाओ कानपुर और अपने वैद्य जी को लेकर आओ तुरंत। पर पापा जी। अरे मैंने बात कर ली है उनसे, वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। है हाँ बेटा, राह सवार इस जादूगरनी का तो हम हैं उस पे नजर रखने के लिए। जा बेटा। ठीक है पापा जी, मैं अभी चला जाता। गाड़ी निकालता हूं, तुम इसे लेकर बाहर आओ। इसके हाथ पैर मुंह ठीक से बांध देना, अगर इसकी लाश किसी को मिल भी गई तो पहचान में नहीं आना चाहिए। सुनो, जब प्रभात आएगा तो कह देंगे कि भेद खुल जाने के डर से ही भाग गई। हाँ हाँ। लाओ लाओ। कोई केरोसिन लाया? अरे वो तो मैं भूल ही गई। तो लाश जलाने के लिए क्या कार में से पेट्रोल निकालेंगे? जाओ जल्दी से लेके आओ। हाँ। पेट्रोल निकाल जल्दी। रुक, कहते हैं मरने के पहले जादूगरनियां अपने असली रूप में आती हैं। जरा हम भी तो देखें इसका असली चेहरा क्या है। प्रभात, तू वो कहां चली गई? ये कैसे हो गया? जादू से, वैसे ही जैसे आलते में कांच आ गया। पापा जी, मुझे आप पर पहले से ही शक है, इसलिए मैं वैद्य जी के यहाँ गया ही नहीं था और ना ही कभी श्रेया बेहोश हुई। और आंटी आप, आपको तो शर्म आनी चाहिए, जिस घर में आप मेहमान बनकर रही उसी को तोड़ने पर उतर आई। चलो श्रेया, अब हम लोग एक पल भी इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। मेरी पत्नी, हम दोनों खुद अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार है, क्योंकि मैं तहे दिल से मानता हूं कि रिश्तों का मापदंड धर्म या जाति नहीं है। रिश्तों की नींव है सिर्फ प्यार, इज्जत और विश्वास। आपके बच्चे जो आपके संस्कारों में पले हैं, जब वो जवान हो जाएं, तो माता पिता होने के नाते हमें उनके फैसलों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। फिर चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर निजी रिश्तों को लेकर कोई फैसला हो, अपनी परवरिश और अपने बच्चों पर भरोसा करना सीखिए। और ऐसी किसी भी सोच से सावधान रहिए जो आपके और आपके बच्चों के बीच दूरी पैदा करे और परिवार की जिंदगी को नरक बना दे। क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की। तो सावधान।